हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आमिर खान ग्रुप्स के मुजाकरात में मुस्बत पेशरफ, दोनों धड़ों के गिले शिकवे, इख्तलाफात खत्म होने का इम्कान, जनरल वर्कर्स इजलास मुलतवी, मुतहदा सरबरा की जानिब से कुछ देर में अहम ऐलान मुतवक्के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी भी कश्मकश में है, जो हमसे भी रابطے में है और एमकेएम में भी है, जो कश्मकश का शिकार है, मैं उनसे कहूंगा खत्म करें। आइए, पीएसपी आपकी जगह है, आपका घर है। सब कुछ छोड़ो, पीएसपी से नाता जोड़ो। रजा हारून ने एमकेएम रहनुमाओं और कारकुनों को शमूलियत की ऑफर दे दी। कहते हैं खत्म हो गई एमकेएम की कहानी, फारूक सत्तार अब 12वें खिलाड़ी। जिनका आपस में इत्तेफाक नहीं, आवाम के मसाइल क्या हल करेंगे? मुराद अली शाह का तंज, कामरान तिजोरी की तिजोरी फसाद की जड़ है, मौका गनीमत जानकर सिराज दुरानी ने चोट कर दी। नवाज शरीफ के लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट जायज सरमाए से नहीं बनाए गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साबिक वजीर आजम समेत 5 अफराद की मशकूक जायदादों की फहरिस्त जारी कर दी। बरतानवी इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस, नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत में आज फिर पेशी। दानियाल अजीज तौहीन अदालत के चीफ जस्टिस ने जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत आज होगी। इमरान खान इंतजामी उमूर के माहिर नहीं, लेकिन जानते हैं टीम कैसे बनती है। पाकिस्तान में उन जैसा कोई लीडर नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। आयशा गुललई का तौसा शरीफ में पावर शो, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म। इमरान खान वजीर आजम बनने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं। खातून रुकने असेंबली का जलसे से खिताब। चौबीस रोज बाद मर्दान के इस मौके कातिल की शनाख्त, दो अफराद का डीएनए मैच कर गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दोनों दरिंदों को आज अदालत में पेश करने का ऐलान। आसमा के मुजरिम को भी जल्द दुबई से गिरफ्तार करके लाने का दावा। मशाल खान कत्ल केस का अहम फैसला आज सेंट्रल जेल हरिपुर में सुनाया जाएगा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 57 अफराद जेरे हिरासत। पीटीआई के काउंसलर समेत 3 मुलजिम अब तक आजाद। पंजाब हुकूमत की सूबे में तस्दीक के नाम से ऑपरेशन की मंजूरी, तमाम जायदादों के मालिकान की स्कैनिंग होगी, रिहायशी अफराद का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात में 90 रोज की तौसी, महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची पुलिस का एक्शन, पाकिस्तान बाजार से कत्ल और भत्ताखोरी की कई वारदातों में मुलविस 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। मुलजिमों की निशानदही पर खाली प्लॉट से असलहा बरामद। स्विट्जरलैंड में जमी हुई झील पर होगा क्रिकेट का खेल। शुएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, याकालस, जयवर्धने और सहवाग जलवागर होंगे। अनोखे मुकाबले 8 और 9 फरवरी को शेड्यूल्ड।
24 घंटे चलने वाले ड्रामे का ड्रॉप सीन होने को है। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है और डॉक्टर फारूक सत्तार ने जनरल वर्कर्स इजलास मुलतवी कर दिया है, जबकि कारकुनों को फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। ये ड्रामा जिसका आगाज एक रोज पहले हुआ, अभी 24 घंटे गुजरे हैं, पहली किस्त हमने गुज़श्ता रात देखी, अब इसकी दूसरी किस्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि ड्रॉप सीन भी आज ही हो जाएगा। भाई 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 के बाद नहीं भाई नहीं भाई और अब एक बार फिर आप ही भाई की गर्दान जारी है। फारूक सत्तार ने कारकुनों को अपने घर पहुंचने की हिदायत की है। फारूक सत्तार की रिहायशगाह पर राबता कमेटी के इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिससे मीडिया को आगाह करने की बात भी डॉक्टर फारूक सत्तार ने की। जनरल वर्कर्स इजलास आज तलब किया गया था और कहा गया था कि बहुत से अहम इंकशाफात करने जा रहा हूं, लेकिन अब वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके बाद फारूक सत्तार ने कारकुनों को अपनी रिहायशगाह पहुंचने की हिदायत की। पार्टी में कहा जा रहा है कि धड़े बंदी खत्म होने का इम्कान है, क्योंकि आमिर खान खुद चलकर आए हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के पास और अब डॉक्टर फारूक सत्तार कुछ देर में अहम ऐलान करने जा रहे हैं। बोन ऑफ कंटेंशन जो वजह बने टेंशन की, कामरान तिसोरी जिनके लिए कहा गया कि उनको मुअत्तल किया जाता है 6 माह के लिए। राबता कमेटी का यह फैसला था कि मुअत्तल किया जाए 6 माह के लिए, उन्हें डिप्टी कन्वीनर के ओहदे से भी हटा दिया गया, लेकिन फौरन थोड़ी देर के बाद ही हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से, कारकुनों से खिताब किया गया था, जिसमें उन्होंने उस राबता कमेटी के अरकान को ही मुअत्तल कर दिया जिन्होंने ये फैसला किया था। 12 घंटे की मुअत्तली थी और फारूक सत्तार ने यह कहा था कि अब माफ़ी का वक्त है, माफ़ी मांग लें तमाम राबता कमेटी के अराकीन और अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मुअत्तली उनकी वापस ले ली जाएगी और अब ये कहा जा रहा है कुछ देर के बाद अहम ऐलान मुतवक्के है। इस बारे में बात कर लेते हैं, बहादुराबाद में मौजूद हैं किरण खान, मुसलसल हमें सूरत हाल से अपडेट कर रही हैं, जबकि ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी वहीं मौजूद हैं। असलम, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट्स हैं, वाकई धड़ेबंदी जो है वो खत्म होने जा रही है? लगता यही है कि 24 घंटे पहले जो ड्रामा शुरू हुआ था उसका एंड हैप्पी एंडिंग की तरफ वो बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह सलमान ने भी कहा कि कुछ इंकशाफात लगता यह है कि आइंदा किसी और वक्त के लिए उन्होंने उठा रखे हैं। और लेकिन दो अहम चीजें, फारूक सत्तार ने कहा कि राबता कमेटी यहां पर आए और माफी मांगे, लगता यह है कि राबता कमेटी वहां पर पहुंची और कुछ बातचीत के बाद दो चीजें हुई। एक मुतालबा यह किया गया था कि इजलास को मुलतवी कर दिया जाए, वो इजलास मुलतवी हो गया। एक बात फारूक सत्तार साहब ने की थी कि राबता कमेटी यहां है, वो बात उनकी मान ली गई। अब एक चीज जिस पर सारा ये फसाना खड़ा हुआ, सारा फसाद खड़ा हुआ, कामरान तिसोरी साहब की जो 4 सेनेटर है उसमें 4th नंबर पर उनका जो इंतखाब जो नामजद किए वो रहती है या नहीं रहती, जब उसका ऐलान होगा तो उससे अंदाजा होगा। लेकिन जितनी मुजाकरात हुए और तकरीबन ये 3-3.5 घंटे जो मुजाकरात होते रहे उससे लगता यह है कि जिस तरह वर्कर जनरल वर्कर इजलास मुलतवी हुआ, जो फारूक सत्तार साहब की कोशिश थी कि वो अपना भाई का जो किरदार है या जो उनकी रिट है उसको बहाल करें, लगता यह है कि वो उसमें कामयाब हुए हैं। जी ठीक, किरण आपकी तरफ आते हैं, एक फिल्म है जिसका नाम है मान जाओ ना, लेकिन हमें कराची की पॉलिटिक्स में ये फिल्म जमाने से देखने को मिल रही है, जब मुतहदा बानी थे उस वक्त भी ये फिल्म चलती थी मान जाओ ना, और अब जब फारूक सत्तार क्यादत कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तो ये फिल्म देखने को मिल रही है। सवाल ये किया जा रहा है जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी या जो नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं लोग, कि ये फिल्म कब तक इस तरह चलती रहेगी, ये क्या होता है? एक वजह, एक कोई भी मसला खड़ा होता है उसमें ये ड्रामा क्रिएट होता है, एक्शन थ्रिलर सस्पेंस और उसके बाद हैप्पी एंडिंग। बिल्कुल सलमान, ये मुत्तहिदा के लिए अगर हम ये कहें कि तारीख बार बार अपने आप को दोहराती है तो गलत नहीं होगा। चेहरे बिल्कुल तब्दील हो गए, कायद तब्दील हो गया, लेकिन रवैये तब्दील नहीं हुए और जो चीजें हम पहले एमकेएम में देखते आए थे वही चीजें अब दोबारा जो है उसी तरीके से होती हैं। मुज़ाकरात की अगर हम बात करें तो मुस्बत पेशरफ हो रही है मुज़ाकरात में, लेकिन अभी भी कुछ मामलात हैं जिससे बातचीत राबता कमेटी की जा रही है और उसमें भी अभी थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसपे इख्तलाफात किए जा रहे हैं। लेकिन फारूक सत्तार ने जिस तरह जनरल वर्कर इजलास जो है वो मुलतवी किया है, इसकी दो जो है वजूहात है। एक वजह तो ये है कि राबता कमेटी का इजलास काफी ज्यादा जो है वो लंबा हो गया है, तवील हो गया है, इस वजह से भी मंसूख किया गया और राबता कमेटी ने ये डिमांड भी की थी फारूक सत्तार से कि आज वो इजलास में खिताब ना करें, लेकिन उन्होंने इजलास मुलतवी करने के बाद कारकुनान को अपने घर पे बुला लिया। इसका मतलब है कि वो कारकुनान से तो खिताब करेंगे। एक रोज पहले किरण, एक रोज पहले डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा था जब उनसे सहाफी ने सवाल किया कि आप राबता कमेटी के इजलास में जाएंगे, वहां पर जो इजलास बुलाया गया है यानी बहादुराबाद में, तो उन्होंने कहा था मैं फ्रेश मैंडेट लेके जाऊंगा कारकुनान का, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ।
बिल्कुल फ्रेश मैंडेट लेके जाऊंगा, ये बिल्कुल फारूक सत्तार ने कहा था। लेकिन आप ये भी देखें सलमान कि आज भी कई बार राबता कमेटी की जानिब से दावत दी जाती रही, फारूक सत्तार बात आए और राबता कमेटी का जो इजलास है उसकी सदारत करें, लेकिन फारूक सत्तार ने अपनी मनवाई और राबता कमेटी आखिर उनको माननी पड़ी कि फारूक अपने घर पर उन्होंने जो इजलास बुलाया था उसमें सबको शिरकत करने का बोला, क्योंकि PIB पहले भी MQM का अर्जी मरकज रहा है, वहाँ पे इजलास होते रहे हैं। तो फारूक सत्तार ने यही कहा कि यहाँ पर ही इजलास होगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, राबता कमेटी यहाँ पर आए। इस वजह से राबता कमेटी वहाँ पर गई, हमने देखा कि